आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र एनडीए की बात, जो अभी हम लोग साहिल से चर्चा भी कर रहे थे, महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कैसे तकरार चल रही है। पहले मुंबई में जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, अजित पवार के साथ बैठक की, लेकिन दोनों गुटों के बीच तकरार रुकी नहीं है। अब अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट को दिल्ली बुलाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उनके कई बड़े नेता, इधर एकनाथ शिंदे, उनके कुछ बड़े नेता दिल्ली में बैठक के लिए आए हैं। आखिर महाराष्ट्र एनडीए में चल क्या रहा है, स्पेशल रिपोर्ट देखें। अब की लोकसभा की लड़ाई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सीधी जंग है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ पार्टी तोड़कर बीजेपी से नाता तोड़ा, बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार को भी धराशायी कर दिया। ये आश्वासन दिली होती, मोदी गारंटी, 10 वर्ष झाली गारंटीचा पत्ता नहीं, उसका टीआ है पण गारंटी नहीं है, चाय पे चर्चा है तो टीआ है पण गारंटी नहीं है, मणिपुर मध्ये तर जायची हिम्मतच नाही आहे। मी काल बोललो ना, हे गृहमंत्री जे आहेत अमित शाह तिकडे शेपूट घालतात आणि इकडून फणा करतात, असे नागोबा आहेत। इकडे ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्स सगळे जा ना, हिम्मत असेल तर मणिपूर मध्ये ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय पाठवा, धडधकट परत येतात का बघा, तिकडेच खांडोळ्या करून टाकतील ती लोक। पण आम्ही सुसंस्कृत पडतो ना, सुसंस्कृत आहे। संजय राऊत जे बोलले की त्यांनी तो लढलाच, तसे सगळे शिवसैनिक लढतायत, पण आम्ही कायदा मानणारे लोक आहोत। मोदी परिवार, मोदी परिवार मे क्या मणिपूर नाही आहे क्या? मोदी परिवार मे लेह लडाख नाही आहे? मोदी परिवार मध्ये जिथे चीन घुसलाय तो अरुणाचल नाही आहे? पण ते सगळं बाजूला ठेवायचं आणि नुसतं अब की बार, अरे अब की बार भाजपा तडी पार। अब की बार महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के बीच तगड़ी लड़ाई है, क्योंकि अजीत पवार ने एनसीपी के 2 फाड़ करके बीजेपी से हाथ मिलाया है। लोकसभा महाविकास आघाडी आणि इंडिया लढणार आहे आणि आम्ही सगळे मिळून 48 सीट लढणार आहे महाराष्ट्रात, आणि त्या 48 सीट आमचं एकच ध्येय आहे की या राज्यात आणि या देशात जो भ्रष्टाचार वाढतोय तो बंद करायचा। या देशामध्ये, राज्यामध्ये आज बेरोजगारी वाढते, महागाई वाढते, हमी भाव शेतकऱ्याला मिळत नाहीये, या सगळ्यासाठी आम्ही लढतोय। सर अमित शाह कह रहे की 45 में 48 सीट लेके आएंगे, महाविकास आघाडी कितने सीट लेके आएंगे? महाविकास आघाडी की 40 के ऊपर सीट आएंगे। अब की बार महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी ने अशोक चव्हाण जैसे उनके नेताओं को तोड़ा है और अपने साथ जोड़ा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किसी को आशंका नहीं है। हम ताकत से लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारे संविधान को खतरा पैदा हुआ है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के चलते, उसे हमें रोकना है, संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है और तानाशाही आने से हमें रोकना है। महाराष्ट्र में 2 गुट है, एक तरफ है एनडीए यानी महायुति गठबंधन और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी एमवी। सामने है 2019 के नतीजे। 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 41 सीटें जीती थी, अकेले बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी और यूपीए 5 सीटों पर सिमट गया था। इसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी किसी भी कीमत पर 2019 के नतीजे को पलटने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा मोदी की गारंटी पर जोरदार प्रहार कर रहा है। तो एनडीए यानी महायुति के सामने भी पीएम मोदी का 400 वाला टारगेट है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। जी हाँ, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट दोनों के बीच सीटों पर तगड़ी तकरार चल रही है और अब महाराष्ट्र एनडीए में सीटों की लड़ाई दिल्ली तक आई। फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की दिल्ली में मीटिंग, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ महायुति की बैठक, क्या दिल्ली में चल रही है सीटों पर मान मनोबल की कोशिश?
अजीत पवार गुट और शिंदे गुट में तालमेल क्यों नहीं हो रहा? दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई जाकर अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट को समझा कर आए थे और इसका भी हिंट देकर आए थे कि किसको कितनी सीटें केंद्रीय नेतृत्व देना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार खेमे की तरफ से बयानबाजी हो जाती है। सारखेच आमदार आहेत, त्यांचे आमदार खासदार जे आहेत हे बीजेपी आणि मोदी साहेब मोदी लाट मोदी साहेबांची जी लोकप्रियता त्यांची सुद्धा मतं घेऊन ते निवडून आलेले आहेत। आमचे लोक जे आलेले आहेत ते त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन निवडून आलेले लोक आहे। हा एक फॅक्टर जो आहे हा लक्षात घ्यायला पाहिजे। और जब देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल किया जाता है तो वो सीधा सीधा जवाब देने के बजाय चिढ़ जाते हैं। मैं मीडिया के बंधुओं से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हमारे ऊपर छोड़े, कुछ मौका हमको भी दे। सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रहे हैं, नाम भी वही अनाउंस कर रहे हैं, आंकड़े भी वही अनाउंस कर रहे हैं, तो थोड़ा काम हमारे लिए छोड़िए। हम जब अपना काम पूरा करेंगे तो आपको बिल्कुल पहले सबसे पहले मीडिया को आकर बताएंगे काम पूरा हो गया है, किसको कितनी सीटें मिली है और कौन सी सीट पर कौन लड़ने वाला है। सूत्रों की माने तो मुंबई में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट के साथ बैठक में अमित शाह ने जो फॉर्मूला रखा था अब आपको वो भी दिखाते हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी हर सूरत में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार गुट को 2 से 3 सीटें दिए जाने की संभावना है और शिंदे गुट की शिवसेना को 10 सीटों की पेशकश की जाएगी। बाकी 4 सीटों पर शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के उम्मीदवार होने की संभावना है, लेकिन कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फॉर्मूला समझाने के 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र एनडीए के दलों को दिल्ली में बुलाया इस बात का भी संकेत देता है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है वो उसके साथियों को मंजूर नहीं है। भले ही 400 पार के टारगेट के लिए बीजेपी कह रही है हर एक फ्रेंड जरूरी है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये भी है कि उसके फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंडशिप कैसी है। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक फालेकर, मुंबई आज तक। और अगर सूत्रों की खबर माने तो बीजेपी ने यह तय किया है कि महाराष्ट्र में वो 32 सीटों पर लड़ेगी। शिंदे गुट को 10 सीटें मिलेंगी, अजित पवार गुट को 2 से 3 सीटें मिलेंगी और 4 सीटों पर उम्मीदवार शिंदे और अजित पवार गुट के होंगे, लेकिन निशान बीजेपी का होगा। लेकिन इस फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट में सिर्फ टवल मची हुई आई। अब आपको दिखाते हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं और अब आपको महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर भी साथ ही साथ बता देते हैं। सीट शेयरिंग पर शिंदे गुट की तरफ से ये उनके एमएलए का बड़ा बयान है। संजय शिरसाट बोले 13 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, अगले 2 दिन में सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। छगन भुजपल के बयान पर भी शिवसेना एमएलए का बयान, जिसकी जितनी हैसियत उतनी ही सीटों के वो हकदार है। छगन भुजपल के बयान पर ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ रहा है देखिए। सीट शेयरिंग पर शिंदे गुट के एमएलए का ये बड़ा बयान है, आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। महायुति में बात जहां तक आती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री है छगन भुजपल, उनका जो कल बयान आया कि जो शिवसेना के चुन के आए थे एमपीज वो 2019 में मोदी लहर में चुनकर आए थे, हम लोग मोदी के खिलाफ लड़कर चुन के आए हैं, इसलिए हमको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए सीट शेयरिंग में जितना शिवसेना को दिया जा रहा है। छगन भुजबल साहब थोड़ा ज्यादा ही आजकल बोलने लगे है। वो हम महायुति में चुन के आए, भले मोदी साहब की वजह से चुन के आए, लेकिन युति का गठबंधन ये 25-30 सालों से चला आ रहा है, एक दिन का गठबंधन नहीं है। और इसलिए वो जो चुन के आए हैं वो भी ये मानते हैं कि मोदी साहब का नाम तो है, उसको किसने इनकार किया है क्या? लेकिन गठबंधन पहले से, अभी बीच में आके गठबंधन हुआ इसका मतलब आपको ज्यादा सीटें मिलेगी, ये सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और यूटी के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा सोचो, जितने सीट चुन के लाने की कैपेसिटी है वो सीट के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो जरूर उसके दखल ऊपर वाले नेता लोग लेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु देखिए, अब सिर्फ टवल क्या मतलब समझिए, खुल के मतभेद सामने आ रहे हैं, कोई इधर से विधायक को फील्ड कर रहा है बोलने के लिए, कोई उधर से कर रहा है, 13 सीट पर ये अड़े हुए हैं, वो भी चाहते हैं बराबर। दिल्ली में अब सारा फोकस आ गया है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करने वाले हैं। क्या हालचाल है इस मीटिंग को लेकर?
देखिए बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जब ये बैठक होगी तो एकनाथ शिंदे भी होंगे, अजीत पवार भी होंगे, प्रफुल्ल पटेल भी होंगे, देवेंद्र फडणवीस भी होंगे और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे बावन कौनकुल। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि अपने अलायंस पार्टनर यानी कि गठबंधन के जो साथी हैं उनको समझा बुझा लिया जाए और उनको इस बात के लिए मनाया जाए कि स्थिति ऐसी नहीं है जिस पे लड़ाई लड़ी जाए। कुछ आपको सीट शेयरिंग में कुछ चीजें छोड़ने पड़ेंगी, कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस जो है आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये दोनों दल इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सेक्रीफाइस करने की जगह जो है सीट बढ़ाने के लिए तैयार है? वो पिछली बार 24 सीटों पे लड़े थे, इस बार अगर सेक्रीफाइस कराना है तो 30 सीटें क्यों? सेक्रीफाइस सभी को करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अटकता हुआ मामला है। बिहार में भी इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है अंजना, और जरूर एकनाथ शिंदे ग्रुप ये चाहेगा कि जितने उनके सांसद है उतनी टिकटें उन्हें सीटें मिले। एनसीपी की ये कहना है कि जितने उनके विधायक जीत के आए हैं उस के हिसाब से जो है उनको लोकसभा में सीटें मिले। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है अभी बहुत जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है गृहमंत्री अमित शाह के साथ एक बार फिर से जो है ये बैठक हो रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जरूर जाएंगे कि इसको लेकर किसी भी तरीके के बयानबाजी जो है वो मीडिया में ना हो, जिससे जो है आपसी जो संबंध है उनमें कहीं दरार नजर आए।